प्रदेश के चार नए एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चल रही खींचतान का फिलहाल पटाक्षेप हो गया है। वित्त विभाग ने किशनगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए नए पदों की मंजूरी को स्पष्ट मना कर दिया है। मौजूदा कार्मिकों को ही काफी बताते हुए इसी से काम चलाने की सलाह दी है। साथ ही तीन अन्य एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों के पदों की संख्या बढ़ाने का मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया है। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट सुरक्षा के मामले में पुलिस और नागरिक उड्डयन विभाग में खींचतान मची हुई थी। प्रदेश के जैसलमेर, कोटा, नाल, बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर आरएसी और हाड़ी रानी बटालियन की है, लेकिन उड्डयन विभाग एयरपोर्ट पर स्थायी सुरक्षा मांग रहा था। वहीं पुलिस सुरक्षा के लिए नए पद सृजन पर अड़ी हुई थी। हालांकि किशनगढ़ सहित चारों एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी के पदों के सृजन के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग और फिर वित्त विभाग भेजे गए थे। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव में एयरपोर्ट सुरक्षा पदों की स्वीकृति को आवश्यकता बताया गया। कहा कि एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मी होना जरूरी है, ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। साथ ही एयरपोर्ट पर हुई घटना का वैश्विक प्रभाव पड़ने का हवाला दिया गया। वहीं हवाई अड्डों पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित अन्य वीवीआईपी के आने को भी प्रस्ताव में जानकारी दी गई। दरअसल किशनगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी का राज्य सरकार से एमओयू तक हो चुका है। इसके मद्देनजर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सुरक्षा कर्मियों के पद सृजन की सहमति भी दे दी, लेकिन वित्त विभाग ने इसे नकार दिया। जैसलमेर एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक कुल 63 पद और 3,84,00,000 रुपए का खर्चा बताया गया। इसी तरह कोटा में डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक कुल 74 पद, खर्चा 4,62,00,000। नाल में डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक कुल 72 पद, खर्चा 4,53,00,000। इसी तरह किशनगढ़ एयरपोर्ट पर डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक कुल 147 पद और खर्चा 8,64,00,000 बताया गया। बहरहाल वित्त विभाग ने मौजूदा नफरी को ही पर्याप्त माना और कहा कि इसी से काम चलाएं। अब देखना ये होगा कि सुरक्षा कर्मियों की कमी का ये मामला कोई बखेड़ा नहीं खड़ा कर दे। विष्णु शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।